गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9। आज चैप्टर 9 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बैक एक्सरसाइज और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहले शॉर्ट आंसर टाइप को, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अगर किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो चुकी है तो दोबारा से उनके लिए उनकी हेल्प हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। सो क्वेश्चन फर्स्ट में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को डिफाइन करना है, सिर्फ डेफिनेशन देनी है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बेटा लॉन्ग में आएगा, वहां पे उनको एक्सप्लेन करना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए, पहले तो ये हमें देखना है कि वो कितने मार्क्स का है और उसमें पूछा क्या गया है। यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स में रहेगा आपका ये, और लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो वो 4 या 5 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिफाइन पूछा गया, यानी कि डेफिनेशन आपको देनी है। लैंड ब्रिज, व्हेन एयर ब्लोज फ्रॉम लैंड towards sea during the night, it is called land bridge. रात के समय में जब लैंड से सी की तरफ हवाएं चलती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। When air blows from land towards sea during the night, it is called land bridge. B part, sea bridge. When air blows from sea towards land during daytime, it is called sea breeze. दिन के समय में सी से लैंड की तरफ जब हवाएं चलती हैं, यानी कि समुद्र से धरती की तरफ जब हवाएं चलती हैं दिन के समय में, उनको हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज। तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन देनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट यहाँ पे सिर्फ डिफाइन पूछा गया है तो आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फॉग, फॉग किसे कहते हैं। थिक क्लाउड्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स फॉर्मड अबव द लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड फॉग। थिक क्लाउड्स ऑफ वाटर ड्रॉप फॉर्म अबव द लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड फॉग। जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं उनके जो थिक क्लाउड्स हैं पानी के ऊपर और धरती के ऊपर, विंटर सीजन में जो थिक क्लाउड्स बनते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉग। थिक क्लाउड्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स फॉर्मड अबव द लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड फॉग, उन्हें हम फॉग कहेंगे। वाटर और धरती के ऊपर जब भी वो वाटर ड्रॉप्स के जो थिक क्लाउड्स बनते हैं, जैसे विंटर सीजन में हम देखते हैं कि किसी दिन धूप पड़ती है और किसी दिन धुंध पड़ती है, तो वो जो धुंध होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं। तो एक वाटर ड्रॉप्स के क्लाउड्स बन जाते हैं जिसे हम फॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन एयर गेट हीटेड बाय द सन। जब हवा सन की हीट से गर्म हो जाती है तो क्या होता है, तो वी ऑल नो दैट वार्म एयर बिकम लाइट एंड लाइटर एयर राइजेस अपवर्ड। हवा जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और हल्की हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, और वो जो स्पेस खाली होता है उसको फिल करने के लिए जो ठंडी हवा है वो उस स्पेस को फिल करने के लिए आती है। तो इस तरह से हवाएं बहने लग जाती हैं, हवाएं चलने लग जाती हैं, जिसे हम विंड बोलते हैं। तो इस तरह का फिनोमिना वहां पे होता है। व्हेन द एयर गेट्स हीटेड बाय द सन, इट राइजेज अप बिकॉज वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। The cool and heavy air take the place of warmer and lighter air. This cyclic movement of air causes winds to blow. ये जो cyclic movement है, cyclic movement होते हैं जो लगातार जो चलने वाली चीज है, तो इस तरह से बार बार repeat होगा, बार बार repeat होने वाले process को हम cyclic process बोलते हैं। तो ये जो cyclic movement है, ये repeat होने वाली जो movement है, इसकी वजह से क्या होता है, wind blow करती है, हवाएं बहने लग जाती हैं, चलने लग जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वेदर, वेदर किसे कहते हैं।
वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर ऑफ ए गिवन प्लेस एट एनी पर्टिकुलर टाइम. किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो उस जगह की एटमोस्फियर कंडीशन होती है उसको हम वेदर कहते हैं. व्हाट इज द एटमोस्फेरिक कंडीशन? एटमोस्फेरिक कंडीशन में आते हैं कि पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर के अंदर मॉइस्चर कितना है, कितनी तेज हवाएं वहाँ पे चलती हैं. तो ये सब जो फैक्टर होते हैं इनको हम एटमोस्फेरिक कंडीशन कहते हैं. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सारे के सारे एटमोस्फेयर की कंडीशन होती हैं. और ये जो डे टू डे कंडीशंस हैं जो चेंज होती रहती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वेदर. वो वहाँ का मौसम कहलाता है. ये हमने बेटा शॉर्ट आंसर टाइप लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किए थे. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स? चैप्टर को रीड करते हुए भी बीच में टॉपिक आया था फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन. तो वहां पे फोर टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फैक्टर पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है. सो दीज फैक्टर आर टेम्परेचर, विंड, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी. दीज आर द फोर फैक्टर ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स. ये वो चार फैक्टर हैं जिसपे इवेपोरेशन डिपेंड करती है. अगर इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो जो इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है. अब वो किस तरह से होती है चलिए डिस्कस करते हैं. द फैक्टर ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड आर, जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है वो फैक्टर इस तरह से हैं. फर्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर किसी भी जगह का जो तापमान है, कितना वहां पे हीट है, कितनी वहां पे हीट नहीं है, उसको जब हम मेजर करते हैं उसको टेम्परेचर बोलते हैं. हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी. टेम्परेचर के ज्यादा होने से क्या होगा? बहुत ज्यादा हीट वहां पे होगी. हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा. और टेम्परेचर ज्यादा है तो जो वॉटर है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा. वॉटर से वाटर वेपर बहुत जल्दी बनेंगे हाई टेम्परेचर पे. तो हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द रेट ऑफ इवेपोरेशन. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी, जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगी. अब गर्मियों के टाइम में हम यही देखते हैं कि अगर हमने कपड़े धोके सुखाए हैं तो जल्दी से सूख जाते हैं. अब वो सूखने का मीनिंग क्या होता है कि जो उनके अंदर वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, अगर साइंस की टर्म में हम बात करें तो. आज के बाद आप इस चीज पे बड़ा ध्यान देना कि जब विंटर का सीजन होता है तो कपड़े लेट सूखते हैं, यानी कि वो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है. और समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन, यानी कि क्लोथ्स के अंदर, वेट क्लोथ के अंदर जो वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, एस्केप हो जाता है वहां से. सो क्लोथ्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं. तो हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. सेकेंड इज विंड स्पीड. विंड, अब विंड अगर स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी. विंड की स्पीड स्लो है तो इवेपोरेशन भी स्लो होगी. स्ट्रोंगर द विंड ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. जितनी ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि तेज हवाएं चलने से वाटर जो है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है. और जल्दी इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगी. स्ट्रोंगर द विंड ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा. द थर्ड इज सरफेस एरिया. मोर इज द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, फास्ट हो जाएगी. अगेन हम क्लोथ का ही एग्जाम्पल लेते हैं. अब दो शर्ट लीजिए, आपने उनको सुखाना है, वो भीगी हुई है, सुखाना है उनको. एक को तो आप ऐसे फोल्ड करके आप डाल दें धूप में, बिल्कुल ऐसे उसकी बॉल सी बना के फोल्ड करके डाल दें उसको, और एक शर्ट को पूरा ऐसे फैला के डाल दें. जिस शर्ट को हमने फैलाया है उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया. जिसको फुटबॉल की तरह से रोल करके हमने रख दिया उसका सरफेस एरिया कम हो गया.
मैथ में भी करते हैं ना एरिया के क्वेश्चन, एरिया कौन कितनी जगह को घेरता है, दैट इज द एरिया। अब जिसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी बॉल हमने बना दी है, उसका एरिया कम है, वो काफी ज्यादा टाइम लेगा सूखने में, और जिसको हमने फैला के डाला हुआ है उसका एरिया हमने बढ़ा दिया है तो वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब जल्दी से ड्राई होना किसको कहेंगे हम, कि जो उसके अंदर वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट हो गया, साइंस की टर्म में अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। सो ग्रेटर मोर इज द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। फोर्थ फैक्टर इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है एयर के अंदर मॉइस्चर, एयर के अंदर वाटर का जो मॉइस्चर है वो कितना है। तो अगर एयर में मॉइस्चर बहुत कम है तो कम मॉइस्चर वाली एयर को हम कहते हैं ड्राई एयर, क्या कहेंगे उसको, ड्राई एयर मींस लेस ह्यूमिडिटी। इफ एयर इज ड्राई इवेपोरेशन इज फास्ट, अगर एयर ड्राई होगी इवेपोरेशन फास्ट होगी, जल्दी जल्दी से वाटर वाटर वेपर में बन जाएगा। इफ ह्यूमिडिटी इज मोर, एयर के अंदर वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। ऐसा कब देखने को मिलता है, जो हमने एग्जाम्पल लिया ना उसी एग्जाम्पल को बार बार रिपीट करेंगे, क्लोथ्स वाला एग्जाम्पल। अब रेनी सीजन की अगर हम बात करें, रेनी सीजन में एयर के अंदर मॉइस्चर का अमाउंट ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, सो रेनी सीजन में जो कपड़े हैं वो लेट सूखते हैं, जल्दी से नहीं सूखते। और जो समर का सीजन आता है मार्च अप्रैल मई, वो उसमें बिल्कुल हॉट ड्राई एयर होती है, बहुत गर्म भी होती है और ड्राई एयर होती है। ड्राई एयर का मीनिंग ह्यूमिडिटी नहीं होती तो कपड़े जल्दी से सूखते हैं, वाटर जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो कपड़ों वाला एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हमेशा लर्न करते हुए आप याद रखिए कि हम साइंस को अपने आसपास कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साइंस सिर्फ कोई रट्टे मार के लर्न करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इट इज द एप्लीकेशन, कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कहाँ पे करते हैं। तो कपड़े घर पे सूखते ही हैं, इसीलिए इस एग्जाम्पल को मैंने लिया है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमिडिटी को समझने के लिए, इवेपोरेशन को समझने के लिए। अब इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, लेसर द ह्यूमिडिटी मीन्स ड्राई एयर, ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी एयर के अंदर, वाटर का अमाउंट जितना कम होगा, एयर जितनी ड्राई होगी इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। सो लेसर द ह्यूमिडिटी ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, वाटर से जो वाटर वेपर बनने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है जब ह्यूमिडिटी कम होती है, यानी कि ड्राई एयर होती है। सो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो इसलिए कपड़े देर से सूखते हैं। हॉट ड्राई यानी कि समर सीजन का जो गर्म जो दिन होते हैं तब ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राई एयर होती है, सो जो ह्यूमिड जो इवेपोरेशन है, कपड़े सूखने का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है, जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। ये आपका डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है जो आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ आर फॉग एंड ड्यू फॉर्म्ड, हाउ आर फॉग एंड ड्यू फॉर्म्ड मीन्स फॉग और ड्यू कैसे बनते हैं। फॉग एंड ड्यू आर फॉर्म्ड अंडर द डिफरेंट कंडीशन ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं उसी की वजह से फॉग और ड्यू बनते हैं। फॉग, फॉग अभी पढ़ा भी है हमने, शॉर्ट क्वेश्चन में आया था तो डेफिनेशन तो बिल्कुल वैसे ही रहेगी फॉग। नेक्स्ट है ड्यू, विंटर सीजन में हम देखते हैं जब विंटर मॉर्निंग में कि प्लांट्स हैं या कोई गाड़ी बाहर खड़ी हुई है उसके ऊपर देखते हैं हम छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट गिरी हुई मिलती है, वाटर ड्रॉपलेट गिरी हुई मिलती है, उसको हम ड्यू बोलते हैं। ये बनती कैसे है, ये कंडेंसेशन की वजह से बनती है। व्हाट इज कंडेंसेशन, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जब वाटर वेपर कूल डाउन होके वाटर बन जाता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन अलग अलग तरह की कंडेंसेशन प्रोसेस से डिफरेंट डिफरेंट
तरह के प्रोसेस बनते हैं. तो फॉग व्हेन नाइट आर कोल्ड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंसेस एंड अपीयर एज ड्रॉपलेट ऑन द ग्राउंड एंड प्लांट्स. दिस इज कॉल्ड ड्यू. तो पहले ड्यू के बारे में डिस्कस करते हैं. ड्यू कैसे बनती है कि जब विंटर नाइट्स होती हैं, कोल्ड कोल्ड नाइट्स, सो जो वाटर वेपर है जो एयर में प्रेजेंट है वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं जिसको हम ड्यू बोलते हैं. तो ये ड्यू हम ग्राउंड पे भी देखते हैं, ग्राउंड पे भी देखते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी देखते हैं, कोई व्हीकल खड़ा हुआ है उस पर भी देखते हैं. तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको हम ड्यू बोलते हैं. और ये बनी कैसे, एयर के अंदर वाटर वेपर्स थे वो कूल डाउन होके विंटर नाइट में वाटर ड्रॉपलेट बन गए हैं, इसी को हम ड्यू बोलते हैं. थिक क्लाउड्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स फॉर्म्ड अबव द लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड फॉग. थिक क्लाउड्स, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है हमने कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स के थिक क्लाउड्स बन जाते हैं अबव द लैंड एंड वाटर, दिस इज नोन एज फॉग, उसको हम फॉग कहते हैं. तो क्वेश्चन क्लियर है बेटा. क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ आर फॉग एंड ड्यू फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं. तो बनते किसकी वजह से हैं, कंडेंसेशन की डिफरेंट कंडीशंस की वजह से. नेक्स्ट दोनों के डेफिनेशन हमने बता देनी है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल डज द सन प्ले इन कॉजिंग वेदर चेंजेस. वेदर को चेंज करने में कैसे सन रोल प्ले करता है. द हीट ऑफ द सन वार्म द अर्थ ड्यूरिंग द डे सो द डेज आर वार्म. दिन के टाइम में जो सन की हीट है वो अर्थ को गर्म कर देती है, इसीलिए जो दिन है वो गर्म होते हैं, वार्म होते हैं. आफ्टर सनसेट नो हीट कम्स फ्रॉम द सन, देयरफॉर नाइट्स आर कूल. रात के समय में सन से कोई हीट नहीं आती है तो इसीलिए रातें क्या है वो ठंडी होती है, जो हमारा एटमोसफेयर है वो कूल हो जाता है. दीज आर द चेंजेस ड्यू टू सन. सन की वजह से कैसे चेंजेस होती हैं. So the heat from the sun warm the earth during the day. So the days are warm. After sunset, no heat comes from the sun. Therefore, nights are cool. और ये warm और जो cool होने की जो प्रक्रिया है ये किसकी वजह से है, ऐसा क्यों होता है. That is because of the sun. Sun से जो heat आती है वही ये role play करती है कि दिन के समय में जो धरती है वो गर्म होती है, रात के समय में धरती ठंडी होती है. कंपैरेटिवली अगर दिन में टेम्परेचर हमारा 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो शाम के समय में वो 10 डिग्री या 15 डिग्री हो सकता है. तो कंपैरेटिवली कम होगा दिन के टेम्परेचर के कंपैरिजन में, क्योंकि रात के समय में सन से हीट नहीं आती धरती पे, दिन के समय में आती. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज अक्कर. लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कैसे बनती हैं. और ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था बेटा, उसमें था डिफाइन द फॉलोइंग लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. अगर तो आपके पास 2 मार्क्स में आता है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखे गए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की डेफिनेशन, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में सब आप ये बड़े वाला क्वेश्चन लिखेंगे कि किस तरह से बनती है. स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन भी की लैंग्वेज भी अलग है दोनों की, बट कंफ्यूज नहीं होना है. हाउ डू लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज अक्कर, कैसे बनती है. सो पहले हम बात करेंगे सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे. दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में जो सन से जो हीट आती है, लैंड और सी दोनों गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, बट जो धरती है वो समुद्र की कंपेरिजन में जल्दी से गर्म हो जाती है. तो जो धरती के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जो समुद्र के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है, इसीलिए दिन के टाइम में समुद्र से ठंडी हवा धरती की तरफ चलती है जिसको हम सी ब्रिज बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह का फिनोमिना कब होता है, दिन के समय में. रात के समय में इसका उल्टा हो जाता है. रात के समय में क्या होता है, जो धरती है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है और जो समुद्र का जो पानी है वो देर से ठंडा होता है. तो जो समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ठंडी हवा धरती से समुद्र की तरफ बहने लग जाती है, चलने लग जाती है, उसको हम लैंड ब्रिज बोलते हैं. और लैंड ब्रिज रात के समय चलती है, सी ब्रिज दिन के समय में चलती है.
ये इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा। सी ब्रिज, ड्यूरिंग द डे हीट फ्रॉम द सन वार्म द लैंड एंड वाटर, दिन के समय में जो हीट है सन की वो धरती और पानी दोनों को गर्म करती है। लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर एंड हॉट एयर राइजेस अप, धरती जो है पानी से जल्दी गर्म हो जाती है और उसकी जो हवा है गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है। द कूल एयर मूव्स फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड कॉल्ड सी ब्रिज, जो ठंडी हवा है वो समुद्र से धरती की तरफ चलती है उसको हम सी ब्रिज कहते हैं। द कूल एयर मूव्स फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड कॉल्ड सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन सी, धरती जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है समुद्र के कंपैरिजन में। द एयर अबाउ द सी इज वार्म एंड राइजेज अप, अब जो पानी के ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी कॉल्ड लैंड ब्रिज, द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, धरती की तरफ से समुद्र की तरफ जो हवाएं चलती हैं उनको हम लैंड ब्रिज कहते हैं, और लैंड ब्रिज रात के समय में चलती है। तो इसको अच्छे से लर्न करना बेटा। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यूरिंग द डे, पहले सी ब्रिज में को लर्न करेंगे। ड्यूरिंग द डे हीट फ्रॉम द सन वार्म लैंड एंड वाटर, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर एंड हॉट एयर राइजेज अप, धरती जल्दी से गर्म हो जाती है और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। द कूल एयर मूव्स फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड, सी से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं, कॉल्ड सी ब्रिज, उन्हें सी ब्रिज कहा जाता है। लैंड ब्रिज, ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन सी, रात के समय में जो धरती है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू द सी। द एयर अबाउ द सी इज वार्म एंड राइजेज अप, अब सी के अबाउ जो एयर होती है वो वार्म होती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। द कूल एयर मूव फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फ्रॉस्ट, हाउ इज इट फॉर्म्ड, फ्रॉस्ट क्या है कैसे बनता है, ये भी वही कंडेंसेशन की वजह से ही बनता है फ्रॉस्ट जो है, क्योंकि कंडेंसेशन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हमने पढ़े थे, फॉग, फ्रॉस्ट,